दोस्तों, कोरोना की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन लगा हुआ है। कई कंट्रीज़ अलाउ नहीं कर रही है फॉरनर्स को, यानी दूसरी कंट्री के लोगों को अपने यहाँ आने के लिए, और कई कंट्री खुद ही अपने लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहती, क्योंकि कई तरह के रीज़न होते हैं कि ये बंदा जाके वहाँ इन्फेक्ट ना हो जाए या उसको कोरोना ना हो जाए। तो दोस्तों, अभी क्या हुआ है, रिसेंटली इंडिया में भी इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि भाई जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है उनको ट्रैवल करने का परमिशन दिया जाए, या जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उनको ट्रैवल करने का परमिशन ना दिया जाए। तो कई तरह की चीज़ें इस पर चल रही हैं, कई तरह की अफवाहें भी हैं कि भाई जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है वो बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लगवा रखी है वो नहीं कर सकते। प्लस दो तरह की वैक्सीन दोस्तों इंडिया में अभी लगाई जा रही है, पहली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविडशील्ड, तीसरी अभी प्रोसेस में है, वो भी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी लगना, जो रशिया की स्पुतनिक है, स्पुतनिक वी। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने अभी जो बातें चल रही हैं, कई चीज़ें इस पर बहुत डिबेट भी चल रही है, कि जिन्होंने कोविडशील्ड लगवाई हुई है वो इंटरनेशनली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई हुई है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है वो इस वीडियो में बात करूँगा, और इसका एक सॉल्यूशन भी आया हुआ है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पर, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे, अगर आप नहीं इन्फेक्टेड हैं वहाँ गए तो वहाँ के लोगों से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जो अगर वहाँ पर कोरोना है लोगों को। तो दोस्तों, ये जो लॉजिक है कि वैक्सीन लगवाने वाला ही ट्रैवल करे इंटरनेशनली, ये बहुत अच्छा लॉजिक भी है, लेकिन अभी इंडिया में क्या डिबेट छिड़ी है कि भाई जो दो वैक्सीन अभी प्रचलन में है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई हुई है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, इस चीज़ पे डिबेट चली है। इसी बीच निकल के क्या आया था कि भाई भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए परमिशन नहीं मिली हुई थी, जिसके लिए इन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया, और अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है कि हो सकता है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच कभी भी WHO इसको अप्रूव कर दे, अपने यहाँ इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको लिस्टिंग कर दे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगर जैसे ही इसको अप्रूवल आती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ले रखी है वो बाहर जाके ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और दोस्तों, इस पे कई दिनों से इंडिया में पॉलिटिक्स भी चल रही थी, क्योंकि ये जो कोवैक्सीन है ये इंडिया की खुद की बनाई हुई स्वदेशी वैक्सीन है, इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक इंडियन कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR जो एक गवर्नमेंट की बॉडी है उसके साथ मिलकर इसको डेवलप किया हुआ है, पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है ये। हालांकि कोविडशील्ड जो है वो बनती इंडिया में, लेकिन उसका फॉर्मूला विदेशों से आया है, वो पूरी तरीके से इंडिया की वैक्सीन है, ये पहली वैक्सीन है जो इंडिया की बनाई हुई है और इंडिया में चल रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी पॉलिटिक्स थी, अब उसके पीछे हम ना जाएं, इंडिया को डिफेम करना था या क्या करना था ये वो लोग खुद ही बताएंगे जो इस वैक्सीन की बुराई करते हैं। उन्हें शायद गर्व नहीं है इस चीज़ पे कि इंडिया ने एक बहुत अच्छी वैक्सीन खुद डेवलप की है और जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छी डेवलप होती हैं इसको यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस कर दिया है कि 18 साल से लेकर के 45 साल वालों तक को भी, 44 साल वालों तक को भी वैक्सीन फ्री लगेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाते हैं तो आपको सिर्फ सर्विस चार्ज 150 रुपया देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना, और जो एक्चुअल कॉस्ट है 600 रुपया, नियर अबाउट 750 के आसपास आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लग जाएगी, बाकी जो गवर्नमेंट फ्री में लगाएगी वो तो आपको फ्री में ही लगेगी, मतलब जो सरकारी जगह पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको फ्री में लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द वैक्सीन लगवाएंगे जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होगी, और अभी थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है वैक्सीन की इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे अभी मोदी जी ने जैसा कहा कि हम वॉर लेवल पे वैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगे, और कई तरह के वैक्सीन अभी इंडिया में और इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे स्पुतनिक वी है वो भी जुलाई से लगना स्टार्ट हो जाएगी जो उम्मीद है, और एक दो वैक्सीन फाइजर हो गया, या एक दो वैक्सीन के लिए और बातें चल रही हैं जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोगों को लगाया जाएगा। तो उम्मीद है जुलाई से काफ़ी स्पीड अप हो जाएगी वैक्सीनेशन की प्रोसेस, और जो दिसंबर एंड तक जो टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का कि हम मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर देंगे वैक्सीनेशन के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, अपने आसपास वालों की रक्षा खुद कर रहे होंगे कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। थैंक यू।